नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने अपने घर में फ्यूसिया का पौधा लगाया है तो उसकी देखभाल कैसे करनी है। फ्यूसिया फूलों के पौधे का एक जीन्स है जो शब या छोटे पेड़ जैसा होता है। इसका जन्म स्थान अमेरिका और न्यूजीलैंड में है। फ्यूसिया के फूल दो आकर्षक रंगों में होते हैं। इसके फूलों की बनावट डांसिंग डॉल जैसी लगती है, इसलिए इसे डांसिंग डॉल भी कहते हैं। कुछ लोग इसको झुमका बेल भी कहते हैं। इसकी लोकप्रिय किस्मों में से एक है फ्यूसिया हाइब्रिड। मेरे पास भी ये फ्यूसिया हाइब्रिड का ही पौधा है, एलिसन बेल। इस पर बैंगनी लाल रंग के शानदार फूल आते हैं। फ्यूसिया की ये हाइब्रिड प्रजाति गमले में अच्छे से ग्रो करती है और इसके फूल काफी लंबे समय तक रहते हैं। अगर सही से देखभाल की जाए तो यह शुरुआती बसंत से लगभग सर्दियों तक रहते हैं और यही इसका ग्रोइंग सीजन है। फ्यूसिया बसंत के महीने से अक्टूबर तक खिलता है और इसको लगाने का सही समय भी बसंत में ही है। आप इसको जमीन में या फिर पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि गमला बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्यूसिया की जड़ें पूरे गमले में फैल नहीं पाएंगी और मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। ऐसा होने से आपका पौधा मर भी सकता है। एक ऐसा गमला ले जो ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा। आप शुरुआत में इसे 6 इंच के गमले में लगा सकते हैं। फ्यूसिया एक बारहमासी सदाबहार पौधा है। यह झाड़ी नुमा शेप में ग्रो करता है। जमीन में लगाने पर इसकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर तक हो सकती है, लेकिन गमले में फ्यूसिया 2 फीट से अधिक नहीं बढ़ता। इस खूबसूरत पौधे की 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं। फ्यूसिया की देखभाल करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए आप आसानी से इस शानदार पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। आपको बस इसकी जरूरत के अनुसार मिट्टी, पानी, सनलाइट और तापमान देना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लंबे समय तक अपने फ्यूसिया के पौधे से फूल ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें अगर लाइट की, तो फ्यूसिया को सूरज की रोशनी बहुत पसंद है, इसलिए अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहां दिन भर ढेर सारी सूर्य की रोशनी आती हो, लेकिन दिन में इसे सीधे सूरज की गर्मी से बचाना चाहिए। इसके लिए सुबह और शाम की सनलाइट सबसे अच्छी होती है, जब तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। आप उन्हें अपने घर की पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, या फिर आप उन्हें अपने बगीचे में किसी शेड के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी से इसकी कलियां गिर जाती हैं। बात करें अगर तापमान की, तो फ्यूसिया के लिए सबसे अच्छा तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक है। गर्मियों में जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो आप अपने पौधे को घर के अंदर या फिर शेड में रख सकते हैं। फ्यूसिया को बहुत ज्यादा गर्मी पसंद नहीं है। गर्मियों के महीनों के दौरान सावधान रहें, क्योंकि बहुत अधिक गर्म मौसम फ्यूसिया के पौधे को कमजोर करता है और फूलों को पूरी तरह से ग्रो नहीं होने देता। सर्दियों में फ्यूसिया को 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली जगह में रखा जा सकता है। गर्म मौसम में पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आप अपने पौधे पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। सर्दियों में इसको छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती। फ्यूसिया के पौधे को बसंत से लेकर अक्टूबर तक जरूरत के अनुसार रोजाना पानी देना चाहिए और सर्दियों में पानी कम कर देना चाहिए। सर्दियों में आप अपने फ्यूसिया के पौधे को घर के अंदर रखकर साल भर उगा सकते हैं और बसंत ऋतु में आप उन्हें वापस बाहर रख सकते हैं। फ्यूसिया के पौधे को आप बसंत से लेकर गर्मियों तक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी सप्ताह में केवल एक बार से ज्यादा ना दें। बात करें अगर प्रोपोगेशन की, तो फ्यूसिया को प्रोपोगेशन के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी से मार्च और अगस्त से सितंबर में होता है।
इसके लिए इसकी एक कटिंग लें जो कम से कम 4 इंच लंबी होनी चाहिए। कटिंग को आप रेत में या फिर पानी में भी रख सकते हैं। लगभग 20 से 25 दिनों के बाद आपको जड़ें दिखने लगेंगी। इसके बाद आप उन्हें गमले में लगा सकते हैं। कभी कभी फ्यूसिया की पत्ती पीली पड़नी शुरू हो जाती है। जब आपकी फ्यूसिया की पीली पत्तियां हो तो क्या करें? आप सोचेंगे कि क्यों मेरे फ्यूसिया की पत्ती पीली हो रही है। फ्यूसिया की पत्तियों के पीले होने का सबसे आम कारण पानी है। यह पानी के ज्यादा और कम दोनों कारणों से हो सकता है। यदि पत्तियों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती और अपना हरा रंग खो देती हैं। यदि उन्हें बहुत अधिक पानी मिलता है तो उनकी जड़ें जम जाती हैं और वे पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई पत्तियों को नहीं कर पाती, जिसके कारण भी फ्यूसिया की पत्तियां पीली हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्यूसिया के पौधे में पूरी गर्मियों में फूल खिलते रहें तो सूखे हुए फूलों को हटाते रहें। जब पौधे से सूखे फूल अपने आप गिरते हैं तो वे बीज की फली को पौधे पर ही छोड़ देते हैं। बीज की वो फली पौधे की काफी ऊर्जा ले लेती है, इसलिए जब कोई फूल मुरझाने लगता है तो उसे हटाया जा सकता है। बात करें अगर फ्यूसिया के पौधे को लगने वाले रोगों और कीटों के बारे में, तो व्हाइट फ्लाई एक कीट है जो अक्सर फ्यूसिया पर हमला करता है। व्हाइट फ्लाई दिखने में तिल जैसा होता है। ये कीट पत्ती के अंदर झुंड में होते हैं और वो पौधे को खाना शुरू कर देते हैं। ये पत्तियों का रस भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती है। इसके लिए पौधे पर कीटनाशक का स्प्रे करें। इसके अलावा इन्फेक्टेड पत्तियों को तोड़कर हटा दें। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूसिया के पौधे पर फूल खिलना बंद हो जाते हैं। हम हमेशा फूल वाले पौधे को देखकर ही खुश होते हैं। जब फूल नहीं आते हैं तब क्या करना है और वास्तव में फूल नहीं आने का कारण क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी वाली जगह में पौधे को रखना, बहुत ज्यादा पानी, गर्मियों में पानी की कमी, पोषक तत्वों की कमी, फर्टिलाइजर की कमी और ग्रोइंग सीजन में सनलाइट की कमी भी इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने फ्यूसिया की देखभाल कैसे करनी है। थोड़ी सी देखभाल से ही आपका पौधा बसंत से लेकर अक्टूबर तक फूल देता रहेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और पौधे की जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।